हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पीएस क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में और देखेंगे कि कैसे मेजर ऑफ डिस्पर्शन काम करता है, आखिर ये एग्जिस्टेंस में क्यों आया। थोरली देखेंगे, बने रहिए हमारे साथ, इजी समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, देखिए अगर मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात करें, लेकिन उससे पहले इसकी कहानी जानते हैं कि आखिर ये चैप्टर क्यों आया। ये बात शुरू होती है दोस्तों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। सेंट्रल टेंडेंसी से, अब सेंट्रल टेंडेंसी में क्या था, हमने फर्स्ट ऑर्डर देखा, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर में क्या था दोस्तों, पहला हमने देखा सर मीन, ठीक है, दूसरा हमने देखा मीडियन, ओके, थर्ड हमने देखा सर मॉड, ठीक है। ये तीन हमने सेंट्रल टेंडेंसी का हमने पूरी तरह से देखा था कि आखिर ये क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। और मेरी बात सुनिए, जब आपने ये एक्चुअली में ये डेटा निकाला, मीन निकाला, मीडियन निकाला, मॉड निकाला, तो बट ऑब्वियस ही बात होगी आपका कोई ना कोई पर्पस तो रहा होगा, या आपने किसी चीज़ की स्टडी करनी होगी, ठीक है, तभी आपने ये डेटा निकाला, या किसी और इन्वेस्टमेंट वगैरह कोई भी आपका पर्पस होगा, आपने उसके लिए ये डेटा निकाला है, उसके लिए ये फर्स्ट ऑर्डर निकाला है। लेकिन अगर बात आती है इस चीज़ की कि वाकई ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू कितनी एक्यूरेट हैं, कितनी एक्यूरेट हैं, इस चीज़ को हमने देखना तो बनता है भाई। अब जब एक्यूरेसी टेस्ट की बात आती है तो वो जाता है सेकंड ऑर्डर में। कहाँ पर? सेकंड ऑर्डर में। इस एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट को ही दोस्तों बोला जाता है, दैट इज मेजर ऑफ, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है दोस्तों। डिस्पर्शन में जो हमने मीन निकाला था, मीडियन निकाला था और मॉड निकाला था, इसकी वैल्यू का कितना का एक्यूरेसी है आपस में। तो सर कुछ बात समझ में नहीं आई, कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल से समझेंगे? जी हाँ बिल्कुल, एग्जांपल से समझेंगे। अब एक एग्जांपल है मेरे पास, दैट इज 2, 4, 6, 8। ये एक सीरीज है दोस्तों, इंडिविजुअल सीरीज है। अगर मैं इसका सेंट्रल टेंडेंसी निकालूं, मान लीजिए मैंने मीन निकालना था, तो मीन क्या होगा सर, 2 + 4 + 6 + 8 / 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20/4 और ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 5। तो सर मीन की वैल्यू 5 आ गई। इस मीन को क्या बोला जाता है सर, इसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल डेटा, ठीक है। मतलब ये जो 5 है सर, ये इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात करें, क्या ये वाकई रिप्रेजेंट कर रहा है, देखते हैं सर। ये 0, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया और ये 8 आ गया, ठीक है। ऐसे हमने इस डेटा को इस पर लाइन पर लिख दिया। अब हमारी जो सेंट्रल टेंडेंसी है सर, वो है 5, यहाँ कहीं मिलेगी हमें 5, ठीक है। तो ये हमारा मीन है। अगर देखा जाए जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पूरे डेटा को, क्या वो एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है सर? देखिए, एक वैल्यू है 2, 2 कहाँ है और मीन कहाँ है, कितना फ़र्क है सर 3 का। 4 कहाँ है और सेंट्रल टेंडेंसी कहाँ है, कितना फ़र्क है सर 1 का। 6 कहाँ है और 5 कहाँ है, कितना फ़र्क है सर 1 का। और 8 कहाँ है, 5 कहाँ है, कितना फ़र्क है सर 3 का। एक्चुअली में रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है। इस बात का हमें तब पता चला जब हमने इसके डिस्पर्शन को, डिप्रेशन नहीं, जब हमने इसके डिस्पर्शन को क्या किया, मेजर किया। अगर हम मेजर ना करते तो भाई ऐसे ही मान लेते, ऐसे ही कंक्लूजन निकाल देते और शायद हमारा जो रिजल्ट होता वो गलत हो जाता, शायद क्यों पक्का गलत होता, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा था। अब एक बात और सुनिए, ये तो मैंने आपको एक रफ आइडिया निकालकर दिया है। अब पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लें कि आखिर डेफिनेशन क्या है डिस्पर्शन की। सर डिस्पर्शन की जो डेफिनेशन है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, क्या है सर, मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट ऑफ स्कैटरनेस, मतलब जितना बिखराव है उसकी मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ स्कैटरनेस ऑफ ऑल डेटा,
ऑल डेटा या ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये इसकी सर डेफिनेशन है। अब आइए इसके मेथड्स देखते हैं, क्या है इसके मेथड्स। सर मेथड्स टू मेजर डिस्पर्शन, ठीक है। अब इसके मेथड दो पार्ट्स में है सर। पहला पार्ट क्या है, दैट इज एब्सोल्यूट मेजर, ओके। और सेकेंड है दोस्तों, दैट इज रिलेटिव मेजर, ठीक है। ये दो पार्ट्स में मेथड्स डिवाइड हैं सर, ठीक है। अब अगर एब्सोल्यूट मेजर की बात करें तो एब्सोल्यूट मेजर में दोस्तों जो पहला है दैट इज रेंज, आपने सुना होगा। सेकेंड है सर मीन डेविएशन, जो बहुत ही फेमस है, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख देते हैं। और थर्ड है दोस्तों मोस्ट 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 फेमस, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख देते हैं। और लास्ट है सर दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। अब ये तो था एब्सोल्यूट मेजर। अब इसका रिलेटिव मेजर, जब हम इस रेंज का सर कोएफिशिएंट निकालेंगे, ठीक है, और जब हम इस मीन डेविएशन का कोएफिशिएंट निकालेंगे, इसका इसका ये सब का कोएफिशिएंट अकेले अकेले निकालेंगे, तो तब माना जाएगा कि हम रिलेटिव मेजर निकाल रहे हैं। अब बात आती है सर एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर में क्या फ़र्क है। सर एब्सोल्यूट मेजर में आपको सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, दैट कैन नॉट बी कंपेरेबल, दैट कांट बी कंपेरेबल, ओके। लेकिन जब हम इस वैल्यू को सर रिलेटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे, दैट कैन इजीली कंपेरेबल, ओके, कंपेरेबल, ठीक है, इसको आसानी से कंपेयर किया जा सकता है, ओके तो ये दोस्तों कुछ मेथड्स थे मेजर ऑफ डिस्पर्शन के। अब आगे आने वाली वीडियो में हम इन सब मेथड्स पर एक सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जैसे रेंज पर, मीन डेविएशन पर, इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, पूरी थोरली स्टडी करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई इस रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए। अगर कोई डिस्कशन हो तो जुड़िए हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।